थाना डिवीजन नंबर 2 की ओर से 120 ग्राम चरस सहित एक युवक को काबू किया गया। जिस संबंध में जानकारी देते हुए एसएचओ मनदीप सलगोत्रा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने दबिश कर इस युवक को पकड़ा, जिसका नाम अनुराग पाठक है, जिस पर उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस पार्टी वालों 25-26 मई की रात सीआई चौंक नाका लगाया गया, भेड़े पुछा की भाल जिस दौरान एक मुंडा नौजवान नीले रंग की स्कूटी से आता दिखाई दिता, जो कि पुलिस पार्टी में वेख के भजन लगा, तो पुलिस पार्टी ने उन्होंने काबू किया। तो दौरान चैकिंग उस पास 120 ग्राम जी चरस बरामद हुई है, जो इस बरामदगी के कारण ये खिलाफ एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज किया गया। दोषी का नाम अनुराग पाठक है, सन ऑफ लेट गोपाल दास, जो कि पहले ईश्वरनगर रहा हूँ, फिलहाल किराए से सैनिक ड्राइवर है। इस मुकदमे तो पहले इतने 4 मुकदमे पहले दर्ज ने, तो हूँ दोबारा ये खिलाफ साढ़े को कंप्लेट भी चलती सी एक, तो जिद भी इन्हें गिरफ्तार किया गया। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल हुई है जी, इन्हें जो ये खास दरखास्त जी आई सी इन्हें किसी क्रिच दिखा के कहें धमकाया, तो जो इतने बनती कार्रवाई की गई है, इन्हू कल कोर्ट पेश किया गया है, रिमांड लिया जो यदि पुलिस हिरासत अच्छी खत्म हो रही है, दोबारा इन्हें कोर्ट पेश किया जा रहा है। पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है करन डे, एक तो पहले एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज किया है, तो बाद 341-506 का मुकदमा दर्ज किया है। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।